कितने डॉगी थे? कितने थे? कैसी आवाज का आ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी वाइटी फैमिली और मेरी बहुत बहुत प्यारी बहनें और मेरी सिस्टर, मेरे भाई सबके साथ आज मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी। उसमें मैंने सूप बनाया था और मॉर्निंग में मैं ना बच्चों को ब्रेकफास्ट में रोल बना के दिए थे। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने ना ब्रेड ली है, उसके जो किनारे हैं ना वो मैंने उतार लिए थे। आलू ना मैश करके रखे हुए थे, उसमें नमक, मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, फिर आप इसमें ना धनिया, इस तरह की चीज़ें डाल कर ना तो इसको अब तैयार कर लो। फिर मैंने ब्रेड का एक पीस लिया, उसमें मैरिनेशन डाल के चीज़ डाल कर इसके बोल बना लिए थे। अंडा क्रम्स लगा के ना इनको मैंने फ्राई करके ना तो बच्चों को मॉर्निंग में ये दिए, ये बहुत चीज़ी और बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद मेरी आदत है जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, जैसे दोपहर का खाना वगैरह, तो मैं एक दफ़ा किचन को ना नीट करती हूँ। तो बस ये जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है ना, इसको मैंने अच्छी तरह लगा कर ना तो ये मेरे पास बड़ा अच्छा ब्रश है, ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था ऑनलाइन ही। तो ये मैंने इस तरह ना ये सारी सफाई वगैरह करके तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना चले, कल तो मैंने बताया जी ब्लैंकेट धोने का, तो ब्लैंकेट में बैठ के सूप पीने का भी अपना ही मज़ा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी शेयर करनी है। उसके लिए ना मैंने ना, हम चिकन लेते हैं ना, जैसे हम बोनलेस भी ले आते हैं तो उसके साथ ना उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो लें, फिर गर्दन का पीस, फिर पसली वगैरह की होती, तो इसमें ताकत कोई नहीं वैसे, मगर सूप बनता है ना चिकन का ही अच्छा। तो बस मैंने इस तरह की ना एक चिकन में से इस तरह के पार्ट्स ही ले लिए, जैसे पसली है, गर्दन और दो बोटियाँ मैंने ना ले ली चिकन की, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के ना तो उसकी मैं यखनी बना लूँगी। यखनी जब मुझे पता है ना मुझे इतना सूप चाहिए उतनी मेरी तैयार होगी ना, तो उसमें मैंने बंद को भी डाल दी और साथ ना जो मैंने चिकन सारा बाहर निकाल दिया था उसको मैंने ना शर्ट करके वो डाल दिया है, और साथ मैंने सिट्टे फ्रेश मंगाए थे उनको बॉयल करके ना तो एक सिट्टा मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना उसको सिट्टे बहुत पसंद हैं। तो आप लोग बस वीडियो के साथ साथ रहें, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है और ना वीडियो को ना आपने आगे। ये चिली सॉस, सोया सॉस और जो सिरका है ना थोड़ा सा हम वैसे भी डाल सकते हैं। तो जो जैसे बाहर हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो उन्होंने ना सेपरेट सारी चीज़ें रखी होती हैं, मगर मैं जब बंद को भी डालती हूँ ना तो इन चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा सा जैसे 2 स्पून में डाल कर ना इनको थोड़ा सा बस कुक करूँगी, और पास में एक अंडा जो है ना उसको बीट करके रख लूँगी, और 4 स्पून मैंने ना 4 से 5 स्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लावर, तो उसके अंदर पानी डालकर ना तो ये मैं पास रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि इसकी थिकनेस ना बास को थोड़ा सा गाढ़ा सूप पसंद होता है, मगर मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती क्योंकि मेरा शुरू से आदत है, मगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखना बहुत मज़े की लगेगी। और सूप में सबसे बेस्ट थिंग ना ये है, 3 से 4 हरी मिर्च लें, उसमें ना आधा कप आप ना सिरका को ना थोड़ा सा बस पका कर ना वो पास रख लें, और कॉर्नफ्लावर जो मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था ना वो मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन ना वो डालूँगी, एकदम नहीं आपने डालना, क्योंकि चाहे जितना मर्ज़ी प्रोफेशनल हो जाए, आप तो बहुत सी मेरी प्यारी बहनें इसमें न्यू होंगी तो उनकी आसानी के लिए मैं इजी रेसिपी बताती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन डालना है और आपने थिकनेस देख लेनी आपको कितनी चाहिए। तो मुझे इस पॉइंट पे ना थोड़ा पतला लग रहा था, फिर मैंने ना 1 स्पून और डालकर ना इसको डाला, उसके बाद मेरे पास अंडे थे, अंडा मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही अंडे का डाल के और मुसलसल चम्मच हिलाना है, जिससे ना ये मोटे मोटे पीस ना बने, बास को मोटे पीस पसंद नहीं, बास को बहुत मोटे पीस पसंद होते हैं। तो बस ये सूप ट्राई करना ज़रूर मेरे तरीके से और बहुत मज़े का बनेगा। यखनी आप लोगों ने जो मुर्गी के अंदर गर्दन और पसली वगैरह होती है ना उसकी बनाएंगे ना तो फिर आपका सूप बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए मुझे इतनी हमें थिकनेस पसंद है, तो आप इससे अगर ज़्यादा थिक पसंद करते हो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप और डाल लो, ठीक है। और पास जो मैंने हरी मिर्चें जो सिरके में रखी हैं ना हल्की सी आंच पे रखेंगे, तब जब हरी मिर्चों का कलर चेंज होगा ना तो इसको आपने ना पास डाल के रख लेना, ये इतनी ही मज़े की लगती हैं हरी मिर्चें। जो हरी मिर्चें के जो लवर हैं जिनको ग्रीन चिलीज पसंद हैं वो तो बहुत शौक से खाते हैं। तो बस ये मैंने फिर इसको वो डिश आउट किया, उसमें चिली सॉस, सोया सॉस डाल के और जो मैंने सिरका तैयार किया वो डाल दिया। अच्छा ये तो सूप तो बन गया ना, सूप तो मेरे बच्चे माशाल्लाह सब शौक से पीते हैं। इजी सी रेसिपी है, यखनी रखी हो साथ आप खाना शाना बना लो। अब यखनी जब सुबह मैंने खाना बनाया ना तो तब भी रख दी हुई थी, मैंने आपको पूरी रेसिपी दी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लग जाए। मैं फिर कहूँगी आप मेरे साथ साथ रहें, आपको जो और रेसिपी है मैं वो भी शेयर कर दूँगी। अब जैसे मैंने बनाया था चिकन और ना साथ लौकी घिया होता है ना वो बनाया था मैंने ये 2 अदद प्याज ली है, उनको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूँगी और साथ ही मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूंगी। एक तो कसमी थोड़े बस इन्नी मेहनत करी दी है तो तुसी वीडियो नहीं वेखते, तुसी भजन दी कर दियो बस, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथ साथ रहा करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें।
तो जो जो मेरी बहनें मेरे साथ प्रीमियर ज्वाइन कर रही हैं उनका बहुत शुक्रिया। प्रीमियर लगाती हूँ कि अब मैं शायद सिंपल वीडियो लगाया करूँ क्योंकि लोग इतने नहीं आते हैं। तो बस मैंने टमाटर 2 काटे हुए थे और साथ नमक मिर्च सूखा धनिया और साथ ना ज़ीरा पिसा हुआ डाल के मैंने मसाले को ज़्यादा नहीं भुना, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। जब टमाटर सॉफ्ट होंगे साथ चिकन भी हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा। पास पे ये जो घी है ना इसको मैं कटिंग करके ना इसके मोटे मोटे क्यूब्स डाल देते हैं। ये माशाल्लाह इतना टेस्टी बनता है ना। सिंपल घी हम लें तो उसको कभी प्रेशर लगाना, बस चिकन भूनते साथ ही हम इसको डाल के तो ना इसकी ना बुनाई कर लेंगे अच्छी सी, और ये बहुत ही अच्छा बनता है दूसरे घी की निस्बत। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताया करो जब आप लोग ट्राई करते हो तो। मुझे दुआओं में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। ये मोहम्मद ज़ैद को देखें, डोगी थे हाँ कैसे बोल रहे थे, आपको काटा तो नहीं काटा, कितने डोगी थे, कैसे आवाज आ रहे थे। मेरे बेटे को मच्छर मॉस्किटो कहाँ काटा है, ये देखो दिखाओ मॉस्किटो काटा हुआ है, ये देखो नानो को मॉस्किटो थे काट के थे आपने, मारा था मॉस्किटो को, मॉस्किटो कैसे मारा था ऐसे करके। हाँ चलो आओ ले लो, मजे का है, मजे का है माशाल्लाह बहुत मज़े का सूप बना था। मोहम्मद ज़ैद को भी बहुत पसंद आया। सब मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।